लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए दो लोकसभा सीटों पर आज कांग्रेस प्रत्याशी पर्चा जमा करेंगे। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल और महासमुंद से ताम्रध्वज साहू नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। और कांकेर की बात करें तो कांकेर से बीजेपी उम्मीदवार भोजराज नाग भी आज पर्चा भर रहे हैं। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश चुनाव प्रभारी नितिन नबीन समेत कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। महासमुंद से बीजेपी प्रत्याशी रूप कुमारी 3 अप्रैल और राजनांदगांव से प्रत्याशी संतोष पांडे 4 अप्रैल को पर्चा भरेंगे। दोनों नामांकन रैली में सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को राजनांदगांव से टिकट देकर इस सीट को हाई प्रोफाइल बना दिया है। यहां बघेल का मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा सांसद संतोष पांडे से है। आज नामांकन से पहले स्टेट स्कूल मैदान में कांग्रेस की सभा और रैली का भी आयोजन किया जाएगा। रैली शीतला मंदिर में खत्म होगी। नामांकन के दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज मौजूद रहेंगे। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के भी आने की संभावना जताई जा रही है। महासमुंद की बात करें तो महासमुंद से कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू भी आज रैली के साथ नामांकन जमा करेंगे। कांग्रेस भवन में 11 बजे सभा होगी। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे और सभा के बाद रैली निकाली जाएगी। इस तरह 3 अप्रैल को बीजेपी की प्रत्याशी रूप कुमारी नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन जमा करने से पहले स्थानीय हाई स्कूल मैदान में चुनावी सभा होगी। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन समेत पार्टी के पदाधिकारी शामिल होंगे। कांकेर की बात करें तो कांकेर से बीजेपी के कैंडिडेट भोजराज नाग भी आज गाजे बाजे के साथ नामांकन पत्र जमा करेंगे। रैली में सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश चुनाव प्रभारी नितिन नबीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा समेत कई मंत्री और नेता मौजूद रहेंगे। देखा जाए तो दूसरे चरण की 3 सीटों राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी डेट 4 अप्रैल है। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। नाम वापसी 8 अप्रैल तक हो सकेगी। 8 अप्रैल को ही रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करेंगे। वहीं 26 अप्रैल को मतदान और 4 जून को मतगणना होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए खबर विभाग के साथ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें।